धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे कंट्रोल के समीप कंडा घाट से सवारी लेकर आ रहे एक टैक्सी चालक का मर्डर मामला सामने आया है। बीते सोमवार व मंगलवार की मध्य रात्रि को ये मामला पुलिस के ध्यान में आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक चार व्यक्तियों को सवारी के तौर पर मां चिंतपूर्णी मंदिर लेकर जा रहा था। इस दौरान गाड़ी में बैठे चार लोगों ने सुनसान रास्ते के चलते गाड़ी चालक पर तेज हथियारों से हमला कर दिया। वहीं चालक ने अपनी जान बचाकर वहां से भागा और उक्त रोड से कुछ दूरी से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक चालक ने व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे ट्रक में बिठाया और सीधे उसे जिला अस्पताल ले आया, लेकिन तब तक टैक्सी चालक ने दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान हरीश कुमार उम्र 30 साल निवासी कुनिहार के साथ लगते एक गांव के रूप में हुई है। पुलिस ने इस सारे मामले को देखते हुए मर्डर केस तहत आने वाली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृत की बहन ने बताया कि उन्हें गत रात्रि 2 बजे के आसपास फोन आया कि उनके भाई की हत्या हो गई है। उन्होंने सुबह पहुंचकर बिटिया फाउंडेशन को इसके बारे में अवगत करवाया और बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सांख्यान भी उनके साथ मौके पर पहुंचे, तो यहां पर उन्हें पता चला कि उनके भाई का मर्डर हुआ है। वहीं पर मृतक की बहन ने पुलिस से गुहार लगाई है कि सशक्त आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रात 2:30 बजे कॉल आई थी, बस उसी टाइम पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग आए, फिर भाई वगैरह सब इकट्ठे हुए, तो हमें पता चला यहाँ आके कि उसका मर्डर हुआ है। और कोई बाहर के लोग, जो हम कुछ नहीं बोल सकते कि बाहर के कि यहाँ के, जब तक हम उनको देखते नहीं, पूछते नहीं कि कौन है क्या है, जब तक पुलिस उनको पकड़ के पूछताछ नहीं करती, तो अब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या है वो लोग, कौन है और क्या रीज़न रहा है जो उन्होंने उसको इस तरह से मारा हुआ है। तो हम पुलिस प्रशासन से ही चाहते हैं कि उसको जल्दी पकड़ा जाए, और जो भी है उनका, जो भी रीज़न रहा है उनका कि क्या कारण है मारने का, इस तरह से मारने का, तो हमारे सामने है। अभी पिछली रात जैसे एक लड़का जो सोलन जिला का है, बिकंद्रौर पुल के पास, उसकी एक बहरामी से हत्या कर दी गई। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे हिमाचल में भी यूपी बिहार की तरह रात को चलना सेफ नहीं रहा, हम लोग रात को नहीं चल सकते, और ये तो पेशे से ड्राइवर है, उनको गाड़ी लेके सवारी लेके जाना भी पड़ता है। तो उस लड़के की हत्या, मतलब इतना बड़ा क्राइम की हत्या ही कर दी गाड़ी की लूटपाट के लिए। और अभी सुबह 7 बजे के करीब मुझे उनकी सिस्टर का फ़ोन आया कि इस तरह से है, मेरे भाई को किसी ने मार दिया। और अभी उनका 7 महीने का बच्चा है, अभी उनकी उम्र 30 साल थी और 7 महीने का बच्चा है, तो आप सोचिए उस बेटी का भी क्या होगा जिसका पति मारा गया, उस माँ का क्या होगा जिसका बेटा मारा गया, और उस बहन का क्या हसर है जो अपने भाई के लिए आज यहाँ पहुँची है। तो मेरी अपने बिलासपुर प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि उन दोषियों को भी सज़ा मिले, और मैं तो चाहती हूँ कि आजकल तो ऐसा होना चाहिए जैसा उसके साथ हुआ वैसा ही उनके साथ होना चाहिए, जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले। और बिटिया फाउंडेशन की तरफ से हमारी यही अपील रहेगी।